राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। ये 3 दिवसीय शिविर 14 मई को शुरू हुआ। उसी दिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर की जाने लगी। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के पत्रकार अंबुज भारद्वाज ने इसे ट्वीट करते हुए दावा किया कि पाकिस्तानी राष्ट्र ध्वज के दोनों रंग ऊपर लगाए गए, जबकि भगवा रंग को जमीन पर बिछाया गया। बीजेपी दिल्ली की प्रवक्ता अनुजा कपूर ने भी इसे ट्वीट किया। भाजपा नेता वीरेंद्र पाल समेत कई भाजपा समर्थक फेसबुक पेजों ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ पोस्ट की, लेकिन इस शिविर की बाकी तस्वीरें देखने पर साफ हो जाता है कि वायरल दावा फर्जी है। कांग्रेस ने 14 मई को इस कॉन्क्लेव की कुछ तस्वीरें ट्वीट की, जिसमें से एक तस्वीर में टेंट के ऊपर भारतीय ध्वज के सारे रंग दिखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कॉन्क्लेव की तस्वीर भ्रामक दावे के साथ शेयर की गई कि कांग्रेस ने भारतीय झंडे का अपमान किया, और भाजपा समर्थकों ने ये अधूरी जानकारी सच मानकर शेयर की।